रोहित की पत्नी ने एमआई का राज खोला, कप्तानी विवाद पर एमआई कोच के बयान का पर्दाफाश कर डाला। तो भैया आपको पता है कि आईपीएल 2024 के शुरुआत से पहले जो सबसे बड़ी न्यूज आईपीएल से जुड़ी थी वो यही थी कि भैया रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है आईपीएल 2024 से और उनकी जगह हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान नियुक्त कर दिया गया। और इस फैसले ने सभी क्रिकेट प्रेमियों को अचंभित कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया कि रोहित शर्मा जो मुंबई इंडियंस के इतने सफल कप्तान हैं उनकी ऐसी दुर्दशा क्यों मुंबई इंडियंस करना चाहती है और आखिरकार किस विवस्था के कारण इतना बड़ा फैसला लिया गया। अगर हम मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर के स्टेटमेंट पर नजर डालें तो उन्होंने कहा हार्दिक पांड्या का कप्तानी संभालना पूरी तरह से एक सोचा समझा क्रिकेट का निर्णय था। हमने हार्दिक को वापस लाने के लिए एक अवसर देखा। यह एक बदलाव का दौर है क्योंकि रोहित शर्मा पिछले 2-3 सालों से बल्ले से रन नहीं बना पा रहे थे, जिस कारण टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया कि अब रोहित शर्मा का जो क्रिकेटिंग कैरियर है वो 1 साल और 2 साल का बचा हुआ है। तो पूरी टीम मैनेजमेंट का निर्णय था कि भैया रोहित शर्मा से कप्तानी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी जाए ताकि बतौर बल्लेबाज वो खुलकर खेल सकें, अच्छा खासा योगदान दे सकें और जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के हटने के बाद हम रोहित शर्मा का बतौर बल्लेबाज 100% उपयोगिता निकाल सके। अगर हम बात करें भारत की तो भारत में बहुत से लोग समझ नहीं पाते, लोग काफी भावुक हो जाते हैं जिस कारण वो अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकालते रहते। तो भैया ये जो स्टेटमेंट मार्क बाउचर ने दिया जिसके बाद ये साफ हो गया कि कोई विवाद नहीं था, शायद रोहित शर्मा भी इस फैसले में शामिल थे कि चलो हार्दिक पांड्या को कप्तान नियुक्त कर दो, मुझे भी कैप्टेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा दो और मैं बतौर बल्लेबाज खेलूं, खुलकर खेलूं, अपना 100% यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए दूं। लेकिन विवाद तो तब हो गया जब रितिका सास दे जो रोहित शर्मा की पत्नी है उन्होंने इसी पॉडकास्ट के नीचे जाकर कमेंट कर डाला और ये कमेंट है आपके सामने, सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। रितिका सास दे ने मार्क बाउचर के इस इंटरव्यू पर विस्फोट करते हुए लिखा कि भैया ये जो इंटरव्यू मार्क बाउचर ने दिया है इसमें बहुत सी बातें गलत बोली गई हैं और असलियत जो अंदर की है वो नहीं बताई गई है। तो रितिका सास दे का ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा स्टेटमेंट है जिसके कारण ये तो साफ हो गया है कि भैया रोहित शर्मा इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है, ना ही वो हार्दिक को मुंबई में शामिल करने पर खुश है, ना ही अपनी कप्तानी छीने जाने पर खुश है। यानी कि जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आईपीएल 2024 के दौरान रोहित शर्मा बल्ले से कैसा प्रदर्शन करते हैं, मुंबई इंडियंस का कैसा प्रदर्शन आता है हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। ये सब चीजें दिलचस्प हैं देखना, क्योंकि भैया रितिका सास दे ने ये तो ऐलान कर दिया है कि मुंबई टीम मैनेजमेंट में सब कुछ ठीक नहीं है, वहां विवाद चल रहा है, रोहित के साथ बदसलूकी की गई है, रोहित को वो इज्जत नहीं मिली है जो रोहित को मिलनी चाहिए क्योंकि 5-5 आईपीएल ट्रॉफी रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को दिलाई है। और जब मुंबई इंडियंस ने बागडोर थामी थी, जब रोहित ने बागडोर मुंबई इंडियंस की थामी थी तो ऐसी स्थिति मुंबई की नहीं थी, बहुत डमाडोल स्थिति था। रिकी पॉन्टिंग उसकी कप्तानी कर चुके थे, हरभजन कर चुके थे, उससे पहले सचिन तेंदुलकर कर चुके थे और किसी के भी अगुवाई में मुंबई इंडियंस एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती थी। लेकिन जब रोहित ने बागडोर थामा उसके बाद 1, 2, 3, 4 बल्कि कुल 5 आईपीएल ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को थमाई। मगर मुंबई इंडियंस ने अंत में जाते जाते भैया धोखेबाजी कर दी रोहित शर्मा के साथ और वही दर्द रितिका सास दे का यहां पे छलकता हुआ नजर आ रहा है। अब आईपीएल 2024 में मुंबई का कैसा प्रदर्शन आएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। इन सभी विवादों से क्या हार्दिक पांड्या उठ पाएंगे, क्या टीम को यूनाइट कर पाएंगे, क्या रोहित शर्मा का बेस्ट निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये अब चीजें सवाल ये निशान बन चुकी है। कमेंट सेक्शन में हम यही चाहेंगे कि आप भी कमेंट जरूर दागिएगा कि भैया आपके हिसाब से रोहित शर्मा के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है और मार्क बाउचर का ये स्टेटमेंट
कितना जायज मालूम पड़ता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।